हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवन आई वेलकम यू ऑल वंस अगैन दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर जाकिर शाह तो हमने हनुमान एंड आई जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसको स्टार्ट किया था एक वार्म सेशन में आपको एक एक्टिविटी भी दी थी और थोड़ा सा हमने इस पेज को हमने पढ़ लिया था चलिए आई होप कि आपने एक्टिविटीज़ अपने हिसाब से अच्छे से किया होगा एंड लेट अस मूव फ़र्दर है हम आगे बढ़ते हैं वी वर ड्रेसिंग अप We were dressing up when the school watchman handed a note to the teacher. She read it aloud Dear ma'am, I'm very sorry to inform you that Alka has contracted measles and has been running a high temperature since morning. Sorry, she will not be able to act in the play. जो ये बच्चियाँ थी जिनको रोल प्ले करना था तो वो क्या ड्रेसिंग अप हो रहे थे सुबह मॉर्निंग में है ना स्कूल में तो उस उतने में स्कूल का वॉचमैन आता है और वो टीचर के हाथों पर एक नोट नोट दिए दे, दे देते हैं तो उस नोट को मैम जो है यानी टीचर जो है वो लाउड से पढ़ती हैं यानी जोर से पढ़ती हैं तो वहाँ पर क्या लिखा है कि मैम अलका जो है वो सुबह से उनको बुखार यानी हाई टेम्परेचर है और उनको मिज़ल की बीमारी आई हुई है और वो जो है परफॉर्म नहीं कर पाएगी आज के इस प्ले में तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं इस बात के लिए ये जो है उस किस में नोट में लिखा हुआ था उस नोट में लिखा हुआ था ठीक है अब आगे देखते हैं अल्का वॉज टू प्ले हनुमान द टीचर लुक्ड अराउंड लुक राउंड इन इन दिस में एंड हर आईज फेल ऑन मी लुक हियर शी सेट शी सेट डॉट प्ले यू वॉन्ट टू बी हनुमान यू थिंक यू कैन मैनेज ठीक है अब अलका को जो है कौन सा रोल करना था हनुमान जी का रोल करना था लेकिन क्या हो गया कि आ, टीचर आ, लेकिन वो नहीं आ पाई क्योंकि वो सुबह से उनको बुखार है हाई टेम्परेचर है तो वो उस वजह से नहीं आ पाई तो जो वहाँ पे टीचर थी वो भी दिस में दिस में क्या होता है हम देखते हैं डिस अपॉइंटमेंट एंड वरी है, है ना यानी वरी में यानी बिल्कुल उनको एक फ़िक्र में वो आगे पीछे देख रही थी कि अचानक उनकी नज़र जो है किस इस बच्ची के ऊपर जाती है यानी इस ऑथर के ऊपर जो बच्ची के ऊपर जाती है और वो मतलब थोड़ी डाउटफुली बोलती है यू वांट टू प्ले यू वांट टू बी हनुमान क्या तुम हनुमान बनना चाहोगे इस प्ले में यू थिंक यू कैन मैनेज क्या तुम मैनेज कर पाओगे क्या तुम इस चीज़ को रोल को अच्छे से निभा पाओगे माई ट्रीमोस्ट सडनली अब यहाँ से पढ़ते हैं माई ट्रीमोट सडनली कमिंग ट्रू आई वॉज क्वाइट ओवरवेल्ड Of course, I can, I said confidently, even if I forget my lines, I can always think of something else. ठीक है तो अब क्या हुआ था कि अचानक इसका ड्रीम जो है वो पूरा होने लगा था क्यों क्योंकि इनको या तो राम जी का रोल चाहिए था है ना या फिर लक्ष्मण जी का रोल चाहिए था या फिर हनुमान जी का तो उनमें से इनको किसका मिला हनुमान जी का रोल मिला तो इसलिए अब वो बहुत एक्साइटेड हुए वो ओवरवेलम्ड हो गई है ना और फिर उन्होंने जवाब दिया अफकोर्स आई कैन हाँ मैं कर सकती हूँ ये रोल आई सेट कॉन्फिडेंटली बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ उन्होंने ये बात कही इवन आई एवन आई फॉरगेट माई लाइन अगर मैं अपना लाइन्स भूल जाती भी हूँ आई कैन ऑलवेज थिंक समथिंग एल्स मैं दूसरा चीज़ भी कर सकती हूं उसके बाद क्या है ओह नो शी सेड यू शेल सर्टेनली नॉट डू एनी सच थिंग आई शेल बी प्रॉम्प्टिंग फ्रॉम द विंग्स ऑल यू हैव टू डू इज रिपीट व्हाट आई से फॉर सेक डोंट मंबल स्पीक एज लाउडली एज यू कैन ठीक है तो वो कह रही है ओह नो तुम्हें इस तरह का कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है अगर तुम लाइन भूल जाती हो तो दूसरा लाइन बोलने की ज़रूरत नहीं है बल्कि यूशल सटनली नॉट टू डू एनी सच थिंग है ना इस तरह का कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है मैं वहाँ से आप, आप तुम्हें प्रॉम्प्ट करूँगी यानी तुम्हें बताऊँगी कहाँ से फ्रॉम द विंग्स विंग्स होता है जहाँ पे स्टेज के अंदर एंट्री गेट होता है ना वो वो उस गेट पर बैठ वो बताएंगे है ना तो बताएंगे ऑल यू हैव टू रिपीट वट आई से जो मैं कहती हूँ बस तुम्हें वो रिपीट करना है लेकिन हाँ ये ध्यान रहे मंबल नहीं करना यानी आप हक लाना नहीं है कन्फ्यूज नहीं होना है स्पीक एज लाउडली एज यू कैन और इतने ज़ोर से बोलना है जितने ज़ोर से तुम तो बोल पाओगी ठीक है तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे अब क्या है एज द कटेंस वेंट अप फॉर द थर्ड सीन आई वॉज पुस्ट ऑन ऑन स्टेज टू टू अकम्प्लीमेंट ऑफ द ड्रम्स आई ऑलमोस्ट फेल ऑन माई फेस Uh, for some time, I could not see a thing. The drums were echoing in my ears, and my hands and the feet were cold and numb. I opened my mouth to say my lines, but my throat was dry and dry, and i could not I couldn't remember them. them.kewa. Mm. Okay. कि जब कटन्स उठे यानी पर्दे उठे और थर्ड सीन जो होने वाला था जिसमें हनुमान जी का रोल था तो वो कहाँ स्टेज की तरफ पुश हो गई यानी सभी ने उनको स्टेज की तरफ देख दिया दे, दे और शुरुआत किसके साथ हुआ एक ड्रम के साथ हुआ यानी एक ड्रम की आवाज़ के साथ उनको स्टेज पर आना था लेकिन अचानक वो जो है वो गिर पड़ी है ना और कुछ देर के लिए तो वो बिल्कुल कुछ देख भी नहीं पा रही थी ठीक है ना और जो ड्रम का आवाज़ है वो उसके कानों में इको कर रही थी इको मीन्स बार बार रिपीट होना कोई साउंड है ना तो वो उनके कानों में है ना रिपीट हो रहा था और साथ में उनका हैंड्स और पीट जो है वो बिल्कुल कोल्ड और नम यानी सुन हो गए थे है ना इतना मतलब वो डरी हुई थी आई ओपन माई माउथ उन्होंने अपना माउथ खोला और को जो लाइन्स उनको बताया गया था वो बोलना चाह लेकिन उनका जो थॉट था गला जो है वो पूरा सूखा हुआ था एंड कूडेंट रिमेंबर एनी वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी ठीक है तो आई होप कि आज के लिए इतना ही ए, सही रहेगा आज का टास्क ये रहेगा विच लाइन फ्रॉम द प्रीवियस पेस्टेल यू दैट द स्पीकर इज चेयरफुल पर्सन एंड अ गुड स्पोर्ट है ना एंड अ गुड स्पोर्ट तो कौन सा लाइन उस पहले वाले पेज में से तुम्हें ये बताता है कि जो स्पीकर है वो चेयरफुल पर्सन थी और एक गुड स्पोर्ट थी से वेदर दिस इज ट्रू और नॉट द टीचर इज़ कॉन्फिडेंट द स्पीकर विल डू अ गुड जॉब है ना टीचर क्या कॉन्फिडेंट थी इस बच्ची के ऊपर जो uh, ये रोल करने जा रही थी तो ये आपने करना है तो आई थिंक दिस विल बी गुड इन फॉर टुडे चलिए नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं थैंक यू Very much. Bye bye. Good hafiz July.